नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको SBFC फाइनेंस लिमिटेड IPO, कॉन्कॉर्ड बायोटेक IPO, बालाजी स्पेशलिटी IPO और TVS सप्लाई चेन IPO के रिगार्डिंग करेंट GMP इनका क्या चल रहा है, अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट हो सकता है, अगर यह आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और मार्केट में और भी 4 IPO जो चल रहे हैं जिनके रिगार्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें SBFC फाइनेंस लिमिटेड IPO की, तो आपको देखने को मिला होगा कि इसकी जो बिडिंग है 3 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त के दिन तक चली होगी। आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो अलॉटमेंट है आपको 10 तारीख की डेट का था, लेकिन आपको देखने को मिला होगा कि इसका जो आपका अलॉटमेंट है 11 तारीख के दिन आता हुआ दिखा होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बना के इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, आप किस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो इसमें आपको दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नेक्स्ट IPO में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि इसके डीमैट में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर के ट्रांसफ़र के, तो 14 अगस्त के दिन आपको आपके डीमैट अकाउंट में जो उसका शेयर है आपको ट्रांसफ़र होता हुआ दिखेगा। बात करें लिस्टिंग की, तो आपको देखने को मिलेगा कि 16 अगस्त बुधवार के दिन इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को आपको मिलेगी। बात करें इसकी अगर आपको IPO के बारे में, तो आपको देखने को मिला हो कि आपको एक लॉट में आपको 260 शेयर का ये एक लॉट है, और अगर बात करें कि इस जो आपका IPO है ये आपको 1025 करोड़ का IPO है, जिसमें आपका फ्रेश इशू 600 करोड़ का था और आपका ऑफर फॉर सेल 425 करोड़ का है। बात करें इसके लिस्टिंग के, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है आपको BSE और NSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और अगर आप इसके एम्प्लॉई हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपको 2 रुपये का डिस्काउंट पहले ही कंपनी की तरफ से दिया जा चुका है। तो चलिए इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, बात करें SBFC फाइनेंस लिमिटेड IPO की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आपका IPO का जो अपर प्राइस बैंड था वो आपको 57 रुपीज़ था। बात करें इस करेंट GMP की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आपका GMP है वो 33 रुपये का अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपको निकल के 90 रुपये का निकल के आता है। बात करें एक्सपेक्टेड गेन की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको 58% का गेन देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जिस IPO का आपका जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक 70% के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन ये आपका मार्केट में 3-4 दिनों से कुछ गिरावट के कारण और इसके अंदर में क्या न्यूज़ चल रहा है इस न्यूज़ के कारण, जैसे मान लीजिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ होगा या कुछ और न्यूज़ होगा, इसी कारण जो आपका GMP में लगातार कुछ ना कुछ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं कहाँ इसका GMP 70% आपको प्रॉफिट दे रहा था, वहीं आपका ये घटते घटते 58% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अभी तो इसके लिस्टिंग होने में कुछ समय है, आप मान सकते हैं कि इसमें कुछ ऊपर भी जा सकता है। सो इसके लिए क्या परेशान ना हो, जो प्रॉफिट मिल रहा है ठीक ठाक है। तो चलिए नेक्स्ट IPO पे नज़र डालते हैं। दोस्तों, बात करें कॉन्कॉर्ड बायोटेक IPO की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो बिडिंग है आपको 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक देखने को मिला होगा। बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो आपको देखने को मिला होगा कि इसका जो आपका अलॉटमेंट का जो डेट रखा गया था वो आपको 11 अगस्त का देखने को मिला होगा। बात करें इसके रिफंड की, तो आपको देखने को मिला होगा कि यदि आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाया है तो आपको मंडे के दिन आपको 14 अगस्त को दिन इसका पैसा रिफंड आते हुए दिखेगा, और अगर आपको अलॉटमेंट हो गया होगा तो आपके अकाउंट में 17 अगस्त के दिन आपको जो आपको शेयर हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बात करें लिस्टिंग की, तो आपको देखने को मिलेगा कि 18 अगस्त के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगर बात करें इसके एक लॉट में, तो इसका जो आपका एक लॉट में इसका शेयर का जो आपका साइज है वो आपको 20 शेयर का देखने को मिला होगा, और ये जो आपका पूरा IPO है ये आपको 1551 करोड़ का IPO होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई होंगे तो आपको 70 रुपये का डिस्काउंट पहले ही देखने को मिला होगा, तो मान चलिए कि 70 रुपये यानी आपको करीब करीब 1500 रुपये का प्रॉफिट तो पहले ही हो चुका है यदि आप इसे कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है।
दोस्तों बात करें कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपी के जीएमपी की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो अभी आपका करेंट जीएमपी चल रहा है 125 रुपये का चल रहा है। और अगर बात करें इसका जो आईपी का जो प्राइस बैंड का, तो आपको देखने को मिला होगा कि जिसका अपर प्राइस बैंड है वो 741 रुपया है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि 866 रुपये का इसका प्राइस निकल के आ रहा है। अगर इस 866 पे अगर गेन की बात की जाए इन परसेंट, तो आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड टू अराउंड 17% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपी की, तो आपको देखने को मिला होगा कि इस आईपीओ में, जिसका जीएमपी में काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिला है। कहाँ इसका पहले आईपीओ 325, 303 आपको देखने मिला होगा, 205, 180, 150 पे तक गिर के आ चुका था। यहाँ से आपको उड़ते उड़ते 199, 185, 166 के अराउंड वो अप एंड डाउन काफ़ी देखने को मिला होगा। तो मान चलिए कि जो इसकी आपको प्रॉफिट होने वाली है अराउंड टू अराउंड, मान चलिए कि 17-20% अराउंड प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आईपी पे आपको नज़र डालते हैं। बात करें बालाजी स्पेशलिटी केमिकल आईपी के, तो आपको देखने को मिला होगा कि मैंने आपको पिछले दो दिन से इस बालाजी स्पेशलिटी केमिकल के आईपी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ये आपका जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है बालाजी माइन, उसी एक सब्सिडरी कंपनी है। और अगर बात की जाए एक कंपनी को, तो ये मार्केट में 2010 से कंपनी देखने को मिल रही है। और ये जो आपका कंपनी है, ये कैसल बाय देखिए, डाटा बाय देखिए, इसका रेवेन्यू बाय देखिए, वो काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। और इस कंपनी का जो आपका प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी आपको विदेशों में भी इसका कम जिसका प्रेजेंस है देखने को मिलेगा। बात करें तो जो आपको बात करें इस कंपनी के डिटेल्स को, तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका भी आपका प्राइस बैंड आया नहीं है, और इसका भी डेट भी अभी इसका साइड से हट चुका है। तो आप इसका जैसे इसका डेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। और अगर बात की जाए इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग, तो अराउंड टू अराउंड मान सकते हैं कि इसका 98 के अराउंड जो इसकी होल्डिंग है अभी प्रोमोटर के पास ही है। और जिस आईपी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपये इसका है। और बात की जाए अगर आप आईपी के साइज़ की, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आईपी का साइज़ है वो आपको 250 करोड़ के अराउंड होने वाला है। बात करें इसके लिस्टिंग की, तो जो इसकी आईपीओ आपका बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होते हुए आपको दिखेगी। बात करें जाए इसके पे आपका रिजर्वेशन कोटा के बारे में, तो आपको आप देख सकते हैं कि इसमें क्यूआईवी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। बात करें इसके एसेट्स की, तो एसेट्स रेवेन्यू और प्रॉफिट की, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो आपको प्रॉफिट है ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। और अगर बात करें इसका आपका रेवेन्यू देख सकते हैं, ए भी आपका ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, एसेट ए भी आपका ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जितना भी आपका डाटा शो कर रहा है फाइनेंशियल डाटा, सब आपका बहुत ही अच्छा और आपका इमेजिन डाटा है। इसके हाथ में कर अगर देखें तो इन कंपनी के हाथ में रिजर्व की, तो इसके हाथ में रिजर्व भी 325 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं इसके बाद बात करें बोरविंग की, तो इनका बोरविंग जितना इनका बोरविंग है उससे इनका काफ़ी ज़्यादा अराउंड टू अराउंड डबल के अराउंड इनका इनके हाथ में सरप्लस है। तो ये अपनी जो बोरिंग है इसको आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। आईपीओ जो मार्केट में लेके आ रहे हैं इसके बदले ये क्या कर रहे हैं, जिनके हाथ में जो पैसे आने वाले हैं ये अपने जो आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग है इसको ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद जो इनका आपका कैपिटल है इसको कैपिटल को और अपना बूस्ट करने वाले हैं। दोस्तों बात करें बालाजी स्पेशलिटी केमिकल आईपी के जीएमपी के, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका भी प्राइस बैंड तो अभी निकल के आया नहीं है। जैसे इसका प्राइस बैंड आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से बना के। बात करें इसके जीएमपी के, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका भी जो आपको जीएमपी ट्रेड कर रहा है वो 55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा जीएमपी है। क्योंकि इसका जो आपको आईपीओ का जो एक्सपेक्टेड प्राइस देखा जा रहा है वो अराउंड टू अराउंड 200 से 250 या 300 के राउंड जाएगा, जो कि अभी ठीक ठाक है। तो आप मान सकते हैं कि इसका जो आपका जीएमपी है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो मान चलिए कि इस आईपीओ में आपको तगड़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ पे एक बार नज़र डालते हैं। दोस्तों बात करें TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आईपीओ आपका आईपीओ है मार्केट में 10 तारीख से शुरू हो गया है और इसकी जो आखिरी ब्रीडिंग है मंडे के दिन 14 अगस्त को ख़त्म होगी। बात करें आपका TVS सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की, तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर बना हुआ है, आप वहाँ जाके इसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। बात करें इसके इम्पोर्टेंस पैरामीटर को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको अगर आपने इसमें अप्लाई मतलब करते हैं, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि इसमें आप आखिरी दिन इसमें अप्लाई करें। अगर बात करें इसके अलॉटमेंट के, तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसका जो आपको अलॉटमेंट है 18 अगस्त को आता हुआ दिखेगा। बात करें रिफ़ंड की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका रिफ़ंड है आपको 21 तारीख के दिन आता हुआ
दिखेगा यदि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। तो बात करें अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 22 अगस्त के दिन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो आपको लिस्टिंग 23 अगस्त के दिन देखते हुए मिलेगी। अगर बात करें आईपीओ के तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आपको आईपीओ है 880 करोड़ का है जिसमें आपका फ्रेश इशू 600 करोड़ और ऑफर पर सेल 280 करोड़ का होने वाला है। और अगर बात करें इसके प्राइस बैंड की तो आपको देखने को मिलेगा कि 187 से लेके 197 के बीच ये आपका इसका प्राइस बैंड रखा गया है और एक लॉट में 76 शेयर होने वाले हैं। अगर बात करें आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप 197 कटअप पे टिक किया करें। बात करें इसकी लिस्टिंग की तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो लिस्टिंग है आपको BSE और NSE दोनों पे होते हुए दिख रही है। और अगर एक एप्लीकेशन में बात की जाए एक लॉट के लिए तो आपको 14,972 रुपये देने होंगे। अगर बात करें रिजर्वेशन कोटा की तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसमें आपको एंकर इन्वेस्टर हैं ये इसके लिए 45% और QIB के लिए 30% शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इसे नई कैटेगरी के लिए आपको 15% और रिटेल के लिए मात्र 10% शेयर को रिजर्व रखा गया है। बात करें इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग की तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो आपको IPO आने से पहले अराउंड 47% की थी, जो आपको IPO आने के बाद अराउंड 42% के आसपास रह जाएगी। बात करें इसका करेंट GMP क्या चल रहा है, इसमें आपको कितने प्रॉफिट हो सकती है, आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आपका GMP 13 रुपये का अराउंड शो कर रहा है और इसका जो अपर प्राइस बैंड रखा गया है वो आपको 197 रुपीज़ रखा गया। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपको 210 रुपये का राउंड निकल के आता है। अगर इन परसेंटेज अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात की जाए आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 7% का प्रॉफिट अगर आपको शो कर रहा है, जो कि उतना ठीक ठाक नहीं है। अगर आप इसमें आखिरी दिन का डाटा मतलब देखें, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आखिरी दिन का डाटा क्या बोलता है, अगर ठीक ठाक रहता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लिख करिए कि आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। पैसे आपके हैं तो आप अपने पैसे को सोच समझ के लगाएं, ऐसा नहीं कि कोई भी IPO आया है तो उसमें लगाना ही लगाना है। अगर आप इसमें ध्यान दें अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।